दीक्षा मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ पीएम बायपासन एकेडमी जोडी आपन को प्रोवाइड करा जे टोटल कांसेप्ट एंड ता सहित नोट्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। सो प्रीवियस क्लास रे हम डिस्कस करथले हमरा प्रोटीन बिषय रे, प्रोटीन केमदि हम बॉडी भीतर डाइजेस्ट होचे एंड आज हम डिस्कस करबा फैट रे। फैट मध्ये हम बॉडी को निया दिबा दरकार दरकार कि नहीं, एथि पई दरकार कारण हम बॉडी को मॉइस्चराइज करबा रे हेल्प करे, सेथि पई हम बॉडी रे फैट दरकार, किंतु एक्सेसिव फैट दरकार नो। एंड हम जो फैट खाउ चंती से को प्रकार फैट से होचे ग्लिसेराइड फैट बा ट्राइग्लिसेराइड फैट, हम के केता को ट्राइएसाइल ग्लिसेरॉल बोली मध्ये कहितांती बा टैग बोली मध्ये कहितांती। सो फैट को खाद्य रे छि जेते प्रकार सब मीट से गला से सब रे अछि एंड जेते प्रकार सब फ्राइड फूड ऑयल फूड फास्ट फूड से सब थरे हमर फैट अछि। सो फैट को फॉर्म रे एग्जिस्ट करछि ट्राइग्लिसेराइड फॉर्म रे एग्जिस्ट करछि। जो फैट को हमें कंज्यूम करबा द्वारा हम बॉडी रे फैट लेवल अधिक बढ़ी जाउ छि। एंड फैट विषय पढ़िबा अगुरु मु अगुरु मध्ये कहि सारथिली हमर को फैट भलो को फैट खराब, बॉडी पे को फैट नेसेसरी को फैट अननेसेसरी, जो माने न देखि चंती ताकि देखि दियंतु प्रथमे को फैट अछि हम बॉडी भितरे एंड को फैट हमको निहति भाबर दरकार को फैट हमको दरकार नहीं। ओके एंड आज हम डिस्कस करबा हमर फैट केमते डाइजेस्ट हो छि। सो प्रथमे तो फैट हमर डाइजेस्ट हवा को जाउ छि सेत कौन हो गोटे वाटर मॉलिक्यूल एक्जिस्ट हो जाए एंड गोटे ईस्टर ग्रुप एक्जिस्ट हो जाए। एंड फैट कौन कर फैट तार गोटे निजर स्ट्रक्चर बनई कि रखुच जे कि ग्लिसेराइड सहित तो अटाच हो रुचि जहाँ आम फैटी एसीड बा ग्लिसेराइड फैट बोली कहते से उपरे ही लिखाई। Usually the form of food which we eat is triglyceride fat. Normally glycerol attaches with three fatty acids which is known as normal fat. आमे जो खाद्य खाउछंती जो ग्लिसेराइड अटैच है के अछि ताको आमे कोन कहउछंती नॉर्मल फैट बोली कहउछंती। सो यूज तरह स्ट्रक्चर ग्लिसेराइड ग्लिसेराइड सहित फैटी एसिड फैटी एसिड फैटी एसिड एफ माने फैटी एसिड तीनटा फैटी एसिड अटैच है के रहि छि। तो रे हम एको स्ट्रक्चर वाइज देखबा ग्लिसेराइड का स्ट्रक्चर, ए ग्लिसेराइड का स्ट्रक्चर कोन CH2OH, CHOH, CH2OH ये होचे हमरा ग्लिसेरॉल स्ट्रक्चर एंड या सहित अटैच है हमरा फैटी एसिड। जदि हम गोटे फैटी एसिड को कंसीडर करिबा एठी हमें गोटे ग्लिसेरॉल स्ट्रक्चर नले एंड गोटे फैटी एसिड रो स्ट्रक्चर नले रिएक्शन करे। रिएक्शन परे हमरा कोन होचे गोटे वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट हो जाउची, एट जोटा हमर रिएक्शन नै छै एठी गोटे वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाउची एंड ता गोटे ईस्टर ग्रुप मध्ये रिलीज है कि पड़ौची। ए सब सरला परे आमे देखिबा कोन आमर केमितिका ए टोटल फैटी एसिडटा बॉडी भितरे डाइजेस्ट होउची। प्रथम आमर कोठ स्टार्ट होउची, प्रथम हम स्टार्ट होउची बकाल कैविटी, किंतु बकाल कैविटी रे डाइजेशन हबो कि नहीं हेई परिबनी, काहे के हेई परिबनी कारण पर्टिकुलर गोटे सब्सटेंस पई गोटे पर्टिकुलर टाइप रा एंजाइम दरकार, विभिन्न प्रकार एंजाइम दरकार होउची किंतु गोटे मेन एंजाइम थै जेंति का प्रोटीएज एंजाइम दरकार होला प्रोटीन पई कि आ कार्बोहाइड्रेट पई अमाइलेज एंजाइम दरकार होला सेम ति फैट पई लाइपेज एंजाइम दरकार। जे पर्यंत जोंठु लाइपेज एंजाइम सिक्रेट न हेई छि से पर्यंत डाइजेस्ट हेई हि परिबनी। एंड बकाल कैविटी रो लाइपेज बाहर छि नो बकाल कैविटी रो अमाइलेज हि बाहर छि, जेहेतु बकाल कैविटी रो अमाइलेज बाहर छि तो बकाल कैविटी रे केवल कार्बोहाइड्रेट रो डाइजेशन हे परबो फैट रो डाइजेशन हे हि परबो नाही। से लिखा छि फैट ओनली डाइजेस्ट बाय द एंजाइम लाइपेज, एज बकाल कैविटी हैज नो लाइपेज एंजाइम सो फैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इनसाइड द कार्बोहाइड्रेट सॉरी इनसाइड द माउथ लाइक कार्बोहाइड्रेट। सो फैट ओनली डाइजेस्ट बाय लाइपेज and as bakal cavity has no lipase enzyme that's why it can't digest fat like carbohydrate, kahin ki na carbohydrate mouth bhitre digest he jauchi as the presence of amylase or salivary amylase, jehetu bakal cavity bhitre salivary amylase achi so amar carbohydrate digest he paruchi otherwise nahi protein digest he paruchi nahi fat digest he paruchi। तो स्टार्ट होची कोटु ये स्टार्ट हो जमना स्टमक रे, स्टमक रे इत्ते अमाउंट रो लाइपेज एंजाइम देखा जाय कोटी डियोडेनम रे देखा जाय, बट स्टमक पकरे किछि अमाउंट रो लाइपेज एंजाइम किछि अमाउंट रो देखा जाय जोति पई के स्टमक रे अल्प अमाउंट रो फैट डाइजेशन हे पारे किंतु इमल्सिफिकेशन हे ही पारे नाही। इमल्सिफिकेशन कोन इमल्सिफिकेशन प्रोसेस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, जतबेले फैट तार स्मॉलर कंपाउंड रे कन्वर्ट होची सेतबेले बस से भांगी जाउची खाद्य भांगी जाउछि किंतु ता भितरे बॉन्ड भांगू नाही ताको हमें इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कहउछंती एंड ए इमल्सिफिकेशन प्रोसेस स्टोमक रे हुए ही नाही। कोठे होछि डियोडेनम रे होछि, डियोडेनम पाखरे ही कैपेसिटी अछि इमल्सिफिकेशन रे। त चलन देखबा स्टोमक आ डियोडेनम रे कोन होछि। सो जते बेले हम फैट डायरेक्ट स्टोमक को पळे आछि बकाल कैविटी देखि सेटी कोन होछि
ସେଠି ପିଏଚ୍ ହାଇଲି ଏସିଡିକ୍ ରହୁଛି। ପିଏଚ୍ କେତେ ରହୁଛି? 4 to 4.5 ରହୁଛି ଆର ପିଏଚ୍। ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋମାକ୍ରେ କ'ଣ ସିଗ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି? HCL ସିଗ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଏମାଉଣ୍ଟର ଲାଇପେଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି ଷ୍ଟୋମାକ୍ରେ କିଛି ଏମାଉଣ୍ଟର ଫ୍ୟାଟ୍ ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଫ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ସ୍ମଲର କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ, ଲାର୍ଜର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ସ୍ମଲର କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇମାଲ୍ସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯେଉଁ ଇମାଲ୍ସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କି କେବଳ ଡିଓଡେନମ୍ରେ ହେଇଥାଏ, ଷ୍ଟୋମାକ୍ରେ ହେଇ ହିଁ ପାରିନଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟୋମାକ୍, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ମାଇଲ୍ଡ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇପେଜ୍, ନେଗ୍ଲିଜେବଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡାଇଜେସନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ। pH is 4 to 4.5 which is highly acidic due to which no emulsification process occurs। highly acidic mane highly acidic re kon pa emulsification he pare mane kai na me already jan chate digestion pai amara basic hoba darkar khadya ta je pon ta basic re convert na hoye se paranta amara digestion he pare bani khadya basic hoba pai amara pH kon 4 to 4.5 rahibo ki 7 nu adhika rahibo pH 7 ru adhika rahile basic hoba and ethi pH kete achi ethi achi 4 to 4.5 je ki highly acidic hoba dara फैट डाइजेशन हे ही पारिबो नाही, जो द्वारा कि खाद्य वर्तमान आम स्टोमाक रो पाइलोरिक पार्ट दे गिरी कोठे के आसीबो डिओडेनम को आसीबो। डिओडेनम रे कोन होची? डिओडेनम रे फैट बाइल सॉल्ट संस्पर्श रे आसी के स्मॉलर कंपोनेंट रे कन्वर्ट हे जाउची। बाइल सॉल्ट कोठे आसीले पड़ी? लिवर रो पर आसुची। लिवर कोठे कनेक्ट हे छी? लिवर कनेक्ट हे छी डिओडेनम रो। लिवर रो कोन बाहर छी? बाइल सेक्रेशन होची। बाइल ले कोन आसी? बाइल सॉल्ट अछि। बाइल सॉल्ट कहा कहा को नेके तेरे छी? सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट को नहीं करी बाइल सॉल्ट तैयार है जी। जो बाइल सॉल्ट वंस असे करी हमर फैट सहित मिसु जी, दैट मींस ए ट्राइग्लिसराइड फैट सहित मिसु जी, से ताको भांगी दे करी छोट छोट खंड रे कन्वर्ट कर दो जी, जाको मे स्मॉलर कंपाउंड बोली कहू छी। किंतु समान का भीतर जो बॉन्ड रहू छी से बॉन्ड के भी ब्रेक डाउन हे पारो नाही। एंड ताको हमें कहू छी इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस द्वारा जो लार्जर कंपाउंड माने कन्वर्ट हो छी स्मॉलर कंपाउंड को, बा जो लार्जर कंपाउंड माने ब्रेक डाउन है कि स्मॉलर कंपाउंड रे कन्वर्ट हो छी, ताको आमे इमल्सिफाइड फैट बोली कहू छी। जे कि केवल ए डिओडेनम रे ही हो छी, ना कि बकल कैविटी रे हो छी, ना कि स्टमक रे हो छी। सो फैट बाइल सेक्रेशन हो छी, बाइल सॉल्ट आस छी, बाइल सॉल्ट कोच आस छी, लिवर रो आस छी। फैट जत बाइल सॉल्ट संस्पर्श रे आसु छी, सेत बेले फैट भांगी किरी स्मॉल कंपोनेंट रे कन्वर्ट हे जाउ छी। बाइल सॉल्ट रे कोन अछि? बाइल सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। व्हेन द बाइल सॉल्ट्स आर एक्ट्स अपॉन द फैटी फूड्स, दैट मींस अ फैट सो दैट एक्ट करू छी, दैट इज ट्राइग्लिसराइड फैट। माने कोन? आमे फास्ट फूड लेबा, आमे जो खाद्य खाउ छन त आमे नॉर्मल फैट कहू छन। ए नॉर्मल फैट कोन? जो ट्राइग्लिसराइड्स माने अछंती से ट्राइग्लिसराइड मन को आमे नॉर्मल फैट कहू छन। सो जते बेले बाइल सॉल्ट ट्राइग्लिसराइड बा नॉर्मल फैटी फूड सहित एक्ट करू छी, ओनली द लार्जर कंपाउंड्स आर ब्रेक डाउन टू फॉर्म स्मॉलर कंपाउंड। केवल लार्जर कंपाउंड माने भांगी के स्मॉलर कंपाउंड रे कन्वर्ट हो छन, बट नो बॉन्ड्स बिटवीन देम आर ब्रोकन डाउन। किंतु समान का भीतर जो बॉन्ड रहू छी से बॉन्ड बिल्कुल भी ब्रेक डाउन हे उही नाही। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन which is of course only in duodenum, and by this process the smaller compounds are formed, that means the larger compound thile se mane bhangi giri smaller compound re form he gele, jaha ko ame kon kahuchanti na emulsified fat boli kahuchanti, jaha ko ame emulsified fat boli kahuchanti। and emulsification process keval fat digestion re kajai, na ki carbohydrate re, na ki protein re। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब तो बहुत सारा सॉर्ट क्वेश्चन से पर इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कौन, इमल्सिफाइड फैट कौन, जब फैटी फूड बा ट्राइग्लिसराइड ऊपर बाइल सॉल्ट एक्ट कर सोडियम ग्लाइकोकोलेट सोडियम टोरोकोलेट से भांगी कि स्मॉलर कंपाउंड रे कन्वर्ट हो जाउ छी। जो स्मॉलर कंपाउंड रे कन्वर्ट हो छी ताको हम इमल्सिफाइड फैट बोली कहउ छथि। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कोन, लार्जर कंपाउंड भांगी कि स्मॉलर कंपाउंड रे कन्वर्ट हो छी, किंतु समान भीतर बॉन्ड ब्रेक डाउन होउनी। एटा कोठि देखा हो छी? डिओडेनम रे देखा हो छी। बाइल सॉल्ट कोन? बाइल सॉल्ट हो छी सोडियम ग्लाइकोकोलेट आ सोडियम टोरोकोलेट रो कंपोजिशन। बाइल सॉल्ट कोठि सिक्रेट हुए? आम लिभर सिक्रेट हुए। लिभर जो बाइल सिक्रेट हुए ता भीतर बाइल सॉल्ट था। ओके, या भितर आम सब प्रकार क्वेश्चन क्लियर हो गला। आई होप कि समस्त बर्तमान फंडा पूरा क्लियर हो जाइए। नेक्स्ट आम कौन देखा? डिओडेनम आउ कि प्रोसेस देखा केमी भांगुं से प्रोसेस आम देखा। डिओडेनम केमी प्रोसेस डाइजेसन हो प्रोसेस डाइजेसन हो प्रोसेस मैंने फास्ट आम देखा लार्ज फैट। लार्ज फैट मैंने जैसे ट्राइएसाइल्लिसेरल बोले कहते राइट। सो ये कौन हो ट्राइएसाइल्लिसेराइड अच्छी जो ट्राइएसाइल्लिसेराइड को आम लार्ज फैट बोली कहते
बर्तमान लाइपेज एंजाइम या उपरे एक्ट करिवो ड्यूडेनम नंबर लाइपेज एंजाइम एक्ट करिवो एक्ट कला पर कोन होची भांगी जाउची स्मॉलर कंपाउंड कन्वर्ट हो जाउची ए जे छोटा 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 स्मॉलर कंपाउंड हे चंती सेमान को चारपट मध्ये लाइपेज एंजाइम रहउची काहे कि रहउची कारण ए माने फेर भांगीबे ना लास्ट कंपोनेंट को असबे यार लास्ट कंपोनेंट के ग्लिसरॉल ऑफ फैटी एसिड सो ए इमल्सिफाइड फैट माने पूरा सेमान को सिंपलेस्ट फॉर्म को असबे जको मैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बोली कहउ छथि जेम के प्रोटीन भांगी भांगी तर सिंपलेस्ट फॉर्म को असला जको मैं अमीनो एसिड बोली कहउ छथि कार्बोहाइड्रेट भांगी भांगी के ग्लूकोज को कन्वर्ट होतला सेमती ए जो फैटी एसिड अछन बा लार्ज फैट माने अछन से माने त सिंपलेस्ट फॉर्म को असबे तांका सिंपलेस्ट फॉर्म होचे ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड सो इमल्सिफाइड फैट माने फेर भांगिया पे से माने पाखे लाइपेज एंजाइम रहबा निहाति दरकार सो एबेडी कोन होची ना ए जो लार्ज फैट अछि या ऊपर लाइपेज एंजाइम एक्ट करछ जो दरे कि ये भांगुछ भांगिया फले स्मॉल कंपाउंड कन्वर्ट होछि जहा को हम कोन कहउ छथि इमल्सिफाइड फैट बोली कहउ छथि यार स्ट्रक्चर कोन यार स्ट्रक्चर होछि ट्राइग्लिसराइड फैट दैट मींस तीनटा फैटी एसिड ग्लिसरॉल सहित अटैच हेले हम ताको ट्राइग्लिसराइड फैट कहउ छथि जे कि होछि इमल्सिफाइड फैट जे त बडे लार्ज फैट भांगि जाउछि छोट 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 स्मॉल फैट रे कन्वर्ट हो जाउछि जक हम इमल्सिफाइड फैट बोली कहि ठीक अछि एबे इमल्सिफाइड फैट कोथरे कन्वर्ट हबो डाइग्लिसराइड रे काहे कि काहे नै इमल्सिफाइड स्ट्रक्चर होछि ट्राइग्लिसराइड एबे ट्राइग्लिसराइड भांगे के डाइग्लिसराइड रे कन्वर्ट हबो कहा प्रेजेंस रे हबो पैनक्रियाटिक एंजाइम जका मे लाइपेज बोली कहउ छथि दैट मींस पैनक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज पैनक्रियाटिक लाइपेज कोन आमे जान छन डाइजेशन पई हमकु दीटा जगह रु एंजाइम आसबा निहाते दरकार गोर त होछि लिवर रु बाइल जूस आसीबो जको हम पढले बाइल सॉल्ट सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड आउ गोटे होछि हमर पैनक्रियाज रु पैनक्रियाटिक जूस बाय पैनक्रियाटिक लाइपेज बोली हमें कहउ छथि पैनक्रियाटिक लाइपेज निहाते भाबर दरकार कोन पई एथि पई जे हमर ये पीएच को मेंटेन करे जे कि 8.6 टू 8.8 रखे हमें स्टमक रे देखिले हमर पीएच केते थिला 4 टू 4.5 थिला जे कि हाईली एसिडिक थिला एंड हम जान छथि हाईली एसिडिक मीडियम रे डाइजेशन इम्पॉसिबल सेति पे हमको बेसिक दरकार बेसिक के प्रोवाइड करछ पैनक्रियाटिक जूस प्रोवाइड करूछ जे कि 8.6 टू 8 टू 8.5 पर्यंत यार साधारणत पीएच रहूछ जो पीएच के हमें बेसिक बोली कहउ छथि जे पन त पीएच हमर बेसिक रे रहबो जे पन हमर डाइजेशन चली ठीक अछि एबे देखिबा हमर कोथरे कन्वर्ट हला इमल्सिफाइड फैट जको हमें ट्राइग्लिसराइड बोली कहउ छथि ट्राइग्लिसराइड माने तीनटा फैटी एसिड ग्लिसरॉल सहित अटैच हि छथि जका मैं ट्राइग्लिसराइड बोली कहउ छथि वे पैनक्रियाटिक लाइपेज प्रेजेंस रे डाइग्लिसराइड फैट को कन्वर्ट हला डाई माने दीटा फैट सो ग्लिसरॉल सहित दीटा फैटी एसिड अटैच हला हम तको डाइग्लिसराइड बोली कहउ छथि एबे ये कोथरे कन्वर्ट हम डाइग्लिसराइड फैट वर्तमान मोनोग्लिसराइड फैट रे कन्वर्ट हबो जो मोनोग्लिसराइड फैट की लाइपेज एंजाइम प्रेजेंस रे ही ब्रेक डाउन हबो आ कोनोसी एंजाइम प्रेजेंस रे ब्रेक डाउन हबो ही नाही सो डाइग्लिसराइड फैट वर्तमान लाइपेज एंजाइम प्रेजेंस रे मोनोग्लिसराइड फैट को कन्वर्ट हेला मोनो माने गोटे सोटे गोटे फैटी एसिड ग्लिसरॉल सहित अटैच है जी ठीक अछि एबे मोनोग्लिसराइड फैट लास्ट स्टेप मोनोग्लिसराइड फैट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट रे कन्वर्ट हबो जको मे ग्लिसरॉल बोली कहउ छथिं ग्लिसरॉल होची फैट रा पूरा सिंपलेस्ट बा लास्ट फॉर्म जेमते कार्बोहाइड्रेट रा ग्लूकोज थिला फ्रुक्टोज थिला प्रोटीन रा अमीनो एसिड थिला लास्ट फॉर्म सेमते फैट रा हमरा लास्ट फॉर्म होची ग्लिसरॉल एबे जो मोनोग्लिसराइड फैट बाहरला ए मोनोग्लिसराइड फैट वर्तमान लास्ट फॉर्म कोथरे कन्वर्ट हबो ग्लिसरॉल ले कन्वर्ट हबो ओके सो हमरा लार्ज फैट रहला लार्ज फैट वर्तमान लाइपेज एंजाइम प्रेजेंस रे कन्वर्ट हला स्मॉल फैट को जाको में इमल्सिफाइड फैट बोली कहले जो थरे की बॉन्ड माने ब्रेक डाउन हो नांती इमल्सिफाइड फैट कोन ट्राइग्लिसराइड फैट जो ट्राइग्लिसराइड फैट की वर्तमान पैनक्रियाटिक लाइपेज प्रेजेंस रे पीएच 8.6 रो 8.8 भीतर थाई करी डाइग्लिसराइड फैट को कन्वर्ट हबो पण डाइग्लिसराइड फैट मोनोग्लिसराइड को कन्वर्ट हबो मोनोग्लिसराइड वर्तमान लास्ट ग्लिसरॉल को कन्वर्ट हे जीवो हन ता तो फैटी एसिड तो अटैच हे कि रहू छी जे कि हमरा टोटल फैट रो कंपोजिशन बा हमरा लास्ट फॉर्म ऑफ फैटी एसिड को हम कोन कहउ छथि ग्लिसरॉल बोली कहउ छथि ओके सो आई होप कि समस्त कर कंफ्यूजन दूर हे जतिबो समस्त पूरा पूरी डाइजेशन ऑफ फैट क्लियर हे जति एबे हम देखिबा आ गोटे जिंस तक बहुत इंटरेस्टिंग लागिबा ए जानबे बि निहति दरकार साधारण जत हमरा जॉन्डिस होछि डॉक्टर हमको मना कर कौन प्रकार फैटी फूड आम खाइबानी फैटी फूड कौन खाइबानी किसी तो गोटे रिजन थी दरकार ना खाली कह सीझा खा सीझा कौन खाइबा आम बर्तमान देखिले ना फैट डाइजेशन कौन दरकार बाइल सॉल्ट निहाती दरकार जे कि कौन सिक्रेट हो लिवर सिक्रेट हो बाइल सॉल्ट कौन रोज बाइल सॉल्ट रोज सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट ओके जब आम फैटी फूड खाऊँ जॉन्डिस टाइम रे किया अफेक्ट हो लिवर अफेक्ट हो जब लिवर अफेक्ट होची लिवर रो जो बाइल सॉल्ट जितके अमाउंट रो नॉर्मल बॉडी रे सिक्रेट हुए जॉन्डिस टाइम रे सितके अमाउंट रे सिक्रेट हे ही पारिबनी काहे कि
सपोज वर्तमान आम जितक एनर्जेटिक फिल करते जिते पूरा पूरा फ्री फिल करमको ज्वर हो जाते फ्री से एनर्जेटिक रहा बिल्कुल ना आम लेथार्जी हो लेजी लेजी हो बेड पर पड़क रहा किसी कम करने को इच्छा हेनी से आक्टिव रही सो एम जितेबाला जंडीस हो लिभर को अफेक्ट करुच्ची लिभर टी डाउन हो जाते अधिक बाइल सल्ट सिक्रेट कर पार नहीं जैसे से नर्माल बडी सिक्रेट करुला आ जदि आम फैटी फुड आम जंडीस टाइम खाऊँ बाइल सल्ट से अमाउंट सिक्रेट हो पार ना जो द्वारा कि आम फैटी फुड मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म को कन्वर्ट हो पारे डाइजेस्ट हो पारे डाइजेसन हम मैंने कौन हम ओबियसली इनडाइजेसन हम देह खराब हम पेट खराब हम सो इनडाइजेसन को अवॉइड करने आमको डॉक्टर मैंने मना करते आम टोटाल भी जंडीस टाइम कौन प्रकार फैटी फुड खाइबानी ठीक अच्छे तो ये आम कौन कम्प्लीट कले आम सब डाइजेसन कम्प्लीट करदे नेक्स्ट क्लास आम सब आब्जॉर्प्शन देखा केमी बडी आब्जॉर्ब्ड हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन गोटे प्रोसेस अच्छे आब्जॉर्प्शन से वैरायटी टाइप्स ऑफ आब्जॉर्प्शन बडी हो जोद्वारा कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फूड सब आब्जॉर्ब्ड होती बढ़ते ना आम स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम पार्ट आब्जॉर्प्शन हो तो से आब्जॉर्प्शन केमी हो नेक्स्ट क्लास देखा ओके पढ़ु मुझे नोट्स देदेली लिखि दिंतु नोट्स पॉज करके लिखंतु और स्क्रीनशॉट नहीं कि लिखंतु न बुझे पारे वीडियो को आउ थरे देखंतु बार बार देखंतु जेपंत मुंडरे न पसि बार बार देखंतु किंतु मु 100% क्लियर कि गोटे थरो किमा मैक्सिमम दि थरो वीडियो देखि देले आराम से क्लियर हे जइबो सो पढ़िबे नोट लिखिबे ताको गोटे थरो मिनिमम गोटे थरो प्रैक्टिस कर देबे जदरा कि मुंडरो केबे बे जीवन पाठ केबे बे जीवन थरे लेखा प्रैक्टिस कर देबे ठीक अछि सो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिबे आ जित्ते भी संग मान अछि समस्त पक्को प्लीज शेयर कर देबे थैंक यू।